हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे डैशबोर्ड के बारे में कि डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि डैशबोर्ड एक मेन पार्ट है आपका वेबसाइट को एडिट करने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए, वेबसाइट पर काम करने के लिए। तो देखो डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले होता है आपका पोस्ट। जब भी आप कोई नया ब्लॉग बनाते हैं ना कोई नई पोस्ट डालते हैं तो आप उसके अंदर जाके काम करते हैं। प्लस इसके अंदर क्या होता है आपका कैटेगरी, प्लस आपकी इसके अंदर होते हैं टैग्स। ठीक है, एक बार दिखाता हूं आपको। ये आपका पोस्ट वाला पार्ट है। अगर आपको कोई नई पोस्ट ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे। अगर आपको टोटल कितनी आपकी पोस्ट है आपको चेक करनी है, आप जाएंगे ऑल पोस्ट पे। अगर आपको कोई नई कैटेगरी बनानी है आप जाएंगे कैटेगरीज पे, नहीं तो टैग्स पे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, हम क्लिक करते हैं ऑल पोस्ट पे। देखिए आपको इससे अभी जिसमें बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट आई हुई है हेलो वर्ल्ड, और वो पोस्ट कौन सी है, वो ये पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट बाय डिफॉल्ट है। अगर आपको नई ऐड करनी है तो ऐड न्यू करके आप अपनी पोस्ट लिख सकते हैं। ये आपका हम क्लियर करेंगे ब्लॉगिंग वाले पार्ट में कैसे काम करते हैं इसके ऊपर, अभी हम केवल डैशबोर्ड समझ रहे हैं। ठीक है, नई पोस्ट आपको ऐड करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरी ऐड करनी है तो आप कैटेगरी में जाके यहाँ से आप क्लिक करके नई कैटेगरी बना सकते हैं। कैटेगरी क्या होती है ये आपको मैंने बताया था, कैटेगरी लाइक ए पेज, पेज की तरह काम करती है। बट अभी इसके ऊपर डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम जब कैटेगरी वाला पार्ट करेंगे, ब्लॉगिंग वाला पार्ट करेंगे, आपको वहां पर सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा वहां पर मैं। सेम ऐसे टैग है। ठीक है, अगला पार्ट हमारा इसके अंदर मीडिया। मीडिया वो होता है कि जो आपकी वेबसाइट्स के अंदर जितने भी इमेजेस आप यूज करते हैं, जो आपकी वेबसाइट में इमेजेस आप लगाते हैं तो वो आपकी सारी मीडिया कहलाती हैं। और उन मीडिया को आप अपनी वेबसाइट में जब पेज बनाते हैं, पेज के ऊपर डिजाइनिंग के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं या पोस्ट के थंबनेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐड करना तो ऐड यहाँ से हो जाएगा और बाकी डिटेल आपको सारी यहाँ आ जाएगी, इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे बाद में। अगला होता है पेजेस। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे जो आपके होम पेज, अबाउट अस पेज, पेजेस, जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, प्रोडक्ट्स पेज, सर्विस पेज, ठीक है, इस टाइप के जो होते हैं आपके सब ये तो पेजेस। तो आपको अगर कोई नया पेज बनाना है तो आप ऐड न्यू करके यहां से इस जगह से ऐड न्यू करके बना सकते हैं या फिर यहां से भी आप ऐड न्यू करके बना सकते हैं। अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं वो आप यहां पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अगला पार्ट है हमारा कमेंट्स। आपके जब भी आप कोई ब्लॉग लिखते हैं तो उसके ऊपर जो भी कमेंट्स आते हैं तो आप उन कमेंट्स को इस जगह पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक कमेंट यहाँ पे आ रहा है, ए वर्डप्रेस कमेंट, दिस इज अ कमेंट, देखते हैं आपको कमेंट डाला हुआ है इसमें। देखिए यहाँ पे पार्ट है कमेंट्स का, सॉरी ये नहीं है, इसको ओपन करते हैं, रिप्लाई कमेंट्स, कोई कमेंट डाला, हाय, पोस्ट कमेंट। तो आपकी वेबसाइट पे जितने भी कमेंट्स आते हैं आप यहाँ पे आके उनको चेक कर सकते हैं, भी कमेंट्स आ गए। ठीक है, ये हो गया कमेंट्स वाला पार्ट। अगला चलते हैं आपका हम अपीयरेंस में। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको वेबसाइट में कोई नई थीम ऐड करनी है आप यहाँ से जाके थीम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थीम को कस्टमाइज करना है, थीम की सेटिंग करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। दिखाता हूँ आपको, अपीयरेंस पे देखकर जाएंगे तो सबसे पहले क्या है, थीम, सेकंड नंबर पे कस्टमाइज, थर्ड नंबर पे क्या है, विजिट। अगर आपको कोई भी वेबसाइट में विजिट्स ऐड करने हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट का मेन्यू बनाना है, मेन्यू होता है आपका जो, तो आपकी जो वेबसाइट का मेन्यू होता है आप यहाँ से बना सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना आप यहाँ से कर सकते हैं। थीम आपको अगर आपको अपनी एडिट करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट होता है अपीयरेंस का, जिसमें आप थीम को कस्टमाइज करना, विजिट ऐड करना, मेन्यू बनाना, बैकग्राउंड के कलर चेंज करना और थीम को एडिट करना। ठीक है, अगला पार्ट आपका प्लगइन्स। आपको मैंने बताया था कि प्लगइन्स आपके एडोन्स होते हैं, डिजाइनिंग करने के काम आते हैं। आपकी वेबसाइट में अगर आपको कुछ भी पेज बिल्ड करना है या आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है तो प्लगइन्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, प्लगइन का भी सेम है, ऐड न्यू करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं और अगर पुराने प्लगइन्स डले हुए हैं तो चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जब भी हम वेबसाइट को बनाते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट दो प्लगइन आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं।
आपको नए प्लगइन ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। अगला पार्ट है हमारा इसके अंदर यूजर्स का। ये क्या होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे पोस्ट डालने का काम आपका कोई एम्प्लॉय करे या आपका क्लाइंट करे, या आपको अपने क्लाइंट को एक्सेस देना है कि वो आपकी अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ भी छोटा मोटा काम कर सके, कोई इमेज चेंज कर सके, कोई कंटेंट चेंज करके कर सके, तो आप उसमें उसको परमिशन देते हैं। परमिशन जो देते हैं काम करने के लिए, वो इसके अंदर सेटिंग होती है कि आप उसको फुल परमिशन देते हैं या कुछ ही पार्ट की परमिशन देते हैं। तो यहाँ से आप यूजर को नया यूजर ऐड कर सकते हैं, उसको परमिशन दे सकते हैं और उसका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है टूल्स। टूल्स के बारे में बात करेंगे सिक्योरिटी वाले टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है सेटिंग। देखिए सेटिंग के अंदर अभी हम दो चीज पे काम करेंगे। सबसे पहला देखो, सबसे पहले सेटिंग होती है जनरल। जनरल के अंदर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है और ये टैगलाइन है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर जब आप थीम कस्टमाइज करेंगे वहां जाके भी इसका ऑप्शन आता है, आप वहां से भी कर सकते हैं। अब सैंपल दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, सबसे पहले टॉपिक माई ब्लॉग माई वर्डप्रेस ब्लॉग, इसके हम होम पे आते हैं। ये आपका साइट का टाइटल है, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं चेंज करते हैं अमित फोटो फ्रेम। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए चेंज हो गया, ये हमारी साइट का टाइटल चेंज हो गया। और यहां पर हम डालते हैं फ्रेमिंग, या भी डाल देते हैं होलसेल एंड डिटेल। ओके, चेंज कर देते हैं यहां से, और यहां से इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आपका इसका टाइटल चेंज हो गया। ठीक है, अगला पार्ट इसमें देखते हैं कि जैसे अभी हमने वहां से होस्टिंग ली थी, तो यहाँ पे देखिए अब दिखा रहा नॉट सिक्योर, अभी सिक्योर नहीं है। अगर आप इसके पे एसएसएल लगा लेते हैं तो आप यहाँ पे जाके अपना यूआरएल के अंदर एस ऐड करके इसको सेव कर देंगे, तो आपकी वेबसाइट यहाँ से एज ए एचटीटीपी से आपकी शोर शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको ईमेल चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हैं, और बाकी आपको इसमें अभी कुछ नहीं करना। मैं इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि अभी इसमें एसएसएल नहीं है, तो ये आपको इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये हमारा पार्ट हो गया जनरल वाला। अगर हमारा पार्ट इसके अंदर रीडिंग वाला, अभी राइटिंग छोड़ दीजिए आप, रीडिंग वाला पार्ट। रीडिंग वाला पार्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को का फ्रंट पेज कौन सा आपको शो करना है। जैसे कि सपोज कीजिए अभी फ्रंट पेज पे पोस्ट वाला पेज आ रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मेरे को फ्रंट पे होम वाला पेज शो करना है, तो मैं यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके स्टैटिक करके होम पेज पे जाके, अभी तो फिलहाल कोई पेज नहीं, सैंपल पेज ही है, जो हम पेज बनाएंगे तो आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जाकर हम पेज चेंज करेंगे तो आपका होम पेज पे वही वाला पेज शो होना शुरू हो जाएगा, और पोस्ट पेज हम सेट कर देंगे पोस्ट पेज। अभी पोस्ट पेज में कौन सा पेज है, सैंपल पेज है अभी ये। ठीक है, तो वो सेट कर देंगे तो आपको फिर वाला पेज पोस्ट पर भी पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई पेज बने हुए नहीं है। अगला पार्ट है आपका इसमें परमालिंक्स वाला, जनरल रीडिंग और परमालिंक्स। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई नई वेबसाइट बनाते हैं, जब भी आप नया वर्डपेज इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सेटिंग में आके परमालिंक्स पे आके आपको डे एंड टाइम को हटा के आपको पोस्ट नेम पे क्लिक करना है। ये क्यों करना है, ये मैं आपको अभी एक वीडियो आएगी हमारी परमालिंक्स वाली, उसमें जाके पूरा क्लियर करूंगा क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है ये। अभी हमारा जो अभी पार्ट है केवल डैशबोर्ड का रिलेटेड पार्ट है, हम इसमें केवल डैशबोर्ड के बारे में ही बात करेंगे। तो इस पर आके आप क्लिक करके आप इसको सिंपल सेव कर देंगे, और ये आपका सेटिंग इसकी हमारी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डैशबोर्ड के बारे में। नीचे लास्ट पॉइंट है कोलैप्स मेनू, इसको क्लिक करेंगे तो आपका मेनू कोलैप्स हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा आपका मेनू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डैशबोर्ड जहां पर हमने समझा पोस्ट कैसे डालते हैं, पेज कैसे बनाते हैं, कमेंट्स कैसे चेक करते हैं, अपीयरेंस में जाके थीम कैसे ऐड करनी है, विजिट कैसे लगाने हैं, मेनू कैसे डालना है, कस्टमाइज कैसे करनी है थीम, यूजर्स को परमिशन कैसे देनी है, और प्लगइन्स कैसे ऐड करने हैं, और सबसे पहले सेटिंग परमालिंक्स वाली हमें करनी ही करनी है। जब भी आप कोई नई वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस की, आपको ये सेटिंग करनी ही करनी है, जरूर करनी है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट डैशबोर्ड का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे थीम्स के बारे में कि थीम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और थीम को कैसे कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।